हे गाइस, वेलकम टू अनंत ब्लॉग्स। और आज का जो ब्लॉग है वो काफ़ी शानदार और ख़ास होने वाला है। आज क्या, ये ब्लॉग टोटल 3 डे जर्नी वाला ब्लॉग रहेगा, क्योंकि आज मैं देख सकते हैं रेलवे स्टेशन, कोडरमा रेलवे स्टेशन से कोलकाता जा रहा हूँ। और वहाँ का जो जाने के बाद कुछ जो प्लेसेस है एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और कोडरमा रेलवे स्टेशन का ये व्यू काफ़ी शानदार है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको। सुबह 10 बजे से स्टार्ट किए थे जर्नी और अभी हावड़ा रेलवे स्टेशन पहुँचे हैं, तो चलिए आगे चलने के बाद आपको दिखा। गाइस, ये है हावड़ा रेलवे स्टेशन में जो लोग बैठे रहते हैं इंतजार करते हैं, वो ये भीड़ नहीं है, भीड़ तो ये बिल्कुल नहीं है, इसे यहाँ पे भीड़ नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे भीड़ और कुछ ज़्यादा होता है, आप देख सकते हैं। अभी हम लोग हावड़ा रेलवे स्टेशन से निकले ही हैं और अभी हम लोग अभी हावड़ा पुल जो है इसी पुल को विजिट करने एटफर्स जा रहे हैं, और उसके बाद गूगल से गाइडेंस लेंगे कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। पता नहीं कहीं से लाइट आ रहा था, तो वो देखने के बाद गूगल से गाइडेंस लेने के बाद पूरा व्यू घूमेंगे और भी जगह को एक्सप्लोर करेंगे। बट अभी सामने जो हावड़ा ब्रिज है उस ब्रिज को जाके पहले फर्स्ट एक्सप्लोर करते हैं। और ये टैक्सी, ये पीली वाली टैक्सी यहाँ की फेवरेट टैक्सी है, काफ़ी टाइम से चली आ रही है और फिर थोड़ा ट्रेवल करने से गंदा हो चुका, तो अभी एट फर्स्ट चल के कहीं फ्रेश हो जाते हैं पहले थोड़ा बहुत, उसके बाद से आपको पूरा व्यू देखने को मिलेगा। गाइस, बहुत गंदा स्मेल आ रहा है यहाँ, आप देख सकते हैं। ये है हावड़ा ब्रिज, जब पिछली बार आया था तो मुझसे मिस्टेक हो चुका था, बट इस बार नो, दिस इज अ हावड़ा ब्रिज, क्योंकि अभी हावड़ा रेलवे स्टेशन से जस्ट बगल में है। और आप देख सकते हैं सच में इस ब्रिज, ये 500 मीटर की दूरी है इस साइड से उस टाइप, आई थिंक लग तो नहीं रही है, 200-300 मीटर जो भी दूरी होगी वो दूरी। और बाकी आप देख सकते हैं, आई थिंक हमें उस प्लेस पे, उस टूरिस्ट प्लेस पे जाना चाहिए था घूमने के लिए, दैट स्पॉट ना वो अच्छा रहता।
गंगा नदी द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा नदी, गंगा नदी की सहायक नदी है और ये जाके मिलती है बंगाल खाड़ी में। क्या क्या होता है सर बताने को है, सर तो अभी हमें और भी चलना है, चलते हैं गाइस। आपको वो जो ऊंचा कुछ दिखाई दे रहा है आई थिंक ये वाला, वो एट फर्स्ट टाइम मुझे लगा कि वो क्या बोलते हैं वो लैंड दिख रहा, बट ऐसा नहीं भाई, वो लैंड नहीं दिख रहा, वो कचरा है, वो कोलकाता का जो कचरा है ना वो आ रहा है वहाँ पे, वही दिख रहा आपको। और वो जो ये पार्ट है जहाँ लाइटिंग ज़्यादा दिखाई दे रही है आपको, वो जो पार्ट है वो है क्या कहते हैं बोट राइडिंग के लिए, बोटिंग के लिए वहाँ पे, वहाँ आसपास नाव लगे हुए एक दो तीन जरा आपको जो दिख रहा है, तो ऐसा एक बहुत दूर आगे में है, बहुत आगे आई थिंक वहाँ पे जो लाइट दिख रहा है वहाँ पे है। तो ये सब बोटिंग एरिया है और बोटिंग करना चाहिए, जिसको इच्छा है वो आके कर सकता है। हम तो काफ़ी बोटिंग किए हैं बट आज नहीं किए हैं। तो अभी मिनी बस से ट्रेवल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं दिस इज़ अ वेरी गवर्नमेंट व्हीकल। इस बस से ट्रेवल करने में वो भी खास कोलकाता में काफ़ी इंजॉय आता है, काफ़ी मज़ा आता है, तो आप देख सकते हैं। गाइस तो ये है, अभी हम लोग कहाँ हैं पता नहीं, बट कोलकाता में है। कोलकाता के किस प्लेस पे हैं ये तो पता नहीं है, लोकेशन चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो वीडियो बनाते तो लोकेशन चेक नहीं कर सकते हैं, बट भाई जस्ट अभी 6 बजे एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकले हैं और थोड़ा वॉक किए, बस नहीं मिल रहा था जहाँ जाना था वहाँ के लिए, जो सरकारी बस होता है वो, उसके बाद फिर काफ़ी देर के बाद थोड़ा मतलब आई थिंक 1.5 किलोमीटर आगे चले, उसके बाद ये बस मिला और उसके बाद से अभी हम लोग सफ़र कर रहे हैं। और आप ये नज़ारा देख सकते हैं कोलकाता का, कोलकाता सिटी का, कोलकाता का सिटी ऑफ जॉय के भी नाम से जाना जाता है, आप लोग को पता ही होगा। और कोर्ट करके एक बिल्डिंग है भाई, आर्क कोर्ट बिल्डिंग
में आप देख सकते हैं एक साइड पार्क लिखा है, दूसरे साइड कोर्ट लिखा है, तो पार्क कोर्ट जगह पे है। अभी चल कहाँ रहे हैं, अभी जस्ट हम लोग के डेस्टिनेशन पर जाना है, जहाँ मुझे वो प्लेस का नाम बिरला मंदिर है, बिरला मंदिर पे अभी रुकेंगे और उस मंदिर का भी व्यू आपको दिखाएंगे। बट कोई नहीं, अभी चलेंगे बिरला मंदिर और वहाँ आपको व्यू दिखाएंगे बिरला मंदिर का। तो भाई मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि आज तो कहीं पे ट्रेवल नहीं कर पाए, कहीं पे घूम नहीं पाए, कोई ऐसे लोकेशन को एक्सप्लोर नहीं कर पाए, तो आई थिंक कल देखते हैं, कल कुछ लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे क्या कहते हैं, विक्टोरिया प्ले मेमोरियल जो है वो, और फिर इंडियन म्यूजिक करके एक है म्यूजियम है, और फिर साइंस सिटी, मतलब साइंस सिटी करके कोई एक प्लेस है, वहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट के लेके काफ़ी चीज़ होता है। तो कल ये सब प्लेस को मैं एक्सप्लोर करूँगा। गाइस एग्जाम सेंटर से निकले बाहर और आगे पर्वत के दर्शन देख सकते हैं, बिरला मंदिर ऑफ टेम्पल ऑफ श्री कृष्ण एंड राम भगवान के सभी अवतार इस मंदिर में विराजमान है, 10 अवतार। अभी चलते हैं अंदर और आपको जाते हैं बिरला मंदिर, काफ़ी सुंदर मंदिर है, लाइक राम मंदिर। तो चलिए अभी चलते हैं मंदिर के अंदर, मंदिर परिसर में, और वहाँ का जो व्यू है वो दिखा सकते हैं। राम जी इधर का जो नजारा किया हमने वो भी अलग लेवल का है, पिछले बार आया था तो सही से एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, बट इस बार जरूर करूँगा। गाइस मैं तो भूल गया कि मोबाइल अंदर ले जाना अलाउड नहीं, तो आपको यहीं से पूरा व्यू देखना होगा। गाइस बाहर से तो ब्लॉग बना सकते हैं ना, अंदर नहीं जा सकते हैं। नेपाल है।